अगर यहाँ के लोगों को दोबारा मौका मिले ना हिंदुस्तान में बसने का, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। कटोरा लेकर घूमोगे, भीख भी नहीं मिलेगी। बब्बर शेर सनी देओल की फिल्म गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से तहलका मचा रखा और फिल्म ने पहले हफ्ते के अंदर यानी कि 7 दिनों में बॉलीवुड और साउथ की बड़ी बड़ी फिल्मों के जो रिकॉर्ड से वो पूरी तरह से चकनाचूर कर दिए। गदर 2 ने सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं दमदार कमाई की बल्कि विदेशों से भी फिल्म का कलेक्शन पूरी तरह से शानदार रहा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गदर 2 के 7 दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में और जानेंगे फिल्म ने दुनिया भर से टोटल कितने करोड़ की कमाई की। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि गदर 2 फिल्म आपको कैसी लगी। तो दोस्तों, बॉलीवुड की बाकी फिल्में जब रिलीज होती है तो 2-4 दिन अच्छी कमाई कर लेती है, उसके बाद उन फिल्मों के जो कलेक्शन है वो काफी ज्यादा नीचे जाने लग जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सनी देओल की फिल्म गदर 2, जिस फिल्म को सिनेमा घरों में 1 हफ्ता हो चुका है, लेकिन फिर भी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस नीचे जाने का नाम नहीं ले रही और हर दिन फिल्म के कलेक्शन उम्मीदों से काफी बेहतर होते जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि गदर 2 का पहला दिन हो या 7वां दिन हो, हर दिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सबको चौंकाया है और हर दिन फिल्म के जो कलेक्शन हैं वो इतनी स्पीड से बढ़ते जा रहे हैं कि अब लग रहा है कि ये मूवी सिनेमाघरों में कम से कम 1 महीने चलेगी और इस फिल्म के नाम सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर का रिकॉर्ड बहुत ही जल्दी हो जाएगा। जी हां दोस्तों, अनिल शर्मा के डायरेक्शन में बनी फिल्म गदर 2, जिस फिल्म में सनी देओल के दमदार एक्शन और बढ़िया डायलॉग डिलीवरी ने पूरे देश को दीवाना बना दिया है और इस वक्त गदर 2 एक फिल्म नहीं बल्कि देश का त्योहार बन चुकी है, जिसे हर इंसान सिनेमा घर जाकर देख रहा है और फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा से ज्यादा कमाई करने में अपना योगदान दे रहा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इस वक्त गदर 2 को बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, हर कोई देखने जा रहा है, इसी की वजह से फिल्म के कलेक्शन काफी बेहतरीन हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, अगर बात करें गदर 2 के अब तक के टोटल कलेक्शन के बारे में तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं फिल्म के इंडियन कलेक्शन की, उसके बाद जानेंगे फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। तो दोस्तों, यहां पर गदर 2 ने रिलीज होते ही पहले दिन 40 करोड़ 10 लाख रुपए का शानदार कलेक्शन किया था, तो 2 दिनों में फिल्म का इंडिया से नेट कलेक्शन 83 करोड़ 18 लाख रुपए का हो चुका था। वही 3 दिनों के वीकेंड में फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 134 करोड़ 88 लाख रुपए का हुआ था। फिल्म ने 4 दिनों में इंडिया से नेट कलेक्शन 173 करोड़ 58 लाख रुपए का कर लिया था। 5 दिनों में दोस्तों गदर 2 ने ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 228 करोड़ 98 लाख रुपए का किया था। वही दोस्तों फिल्म ने अपने 6ठे दिन में शानदार कमाई की और फिल्म का 6 दिनों का ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 261 करोड़ रुपए का हो चुका था। अब बात करें फिल्म के आज यानी कि 7वें दिन के कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों 7वें दिन भी यहां पर गदर 2 को जो एडवांस बुकिंग में रिस्पॉन्स मिला वो काफी जबरदस्त रहा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि फिल्म की जो 7वें दिन की एडवांस बुकिंग है वो ही लगभग 14 करोड़ की हो चुकी है, साथ ही साथ फिल्म को मॉर्निंग वाले शोज में भी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। तो जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक गदर 2 अपने 7वें दिन ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 28 करोड़ का कर रही है और इसी के साथ गदर 2 का जो ऑल इंडिया नेट कलेक्शन है 7 दिनों का वो हो रहा है 289 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, फिल्म 7 दिनों में इंडिया से नेट कलेक्शन 289 करोड़ का कर चुकी है, वही इंडिया ग्रोस कलेक्शन 345 करोड़ रुपए। बता दें दोस्तों, फिल्म ने ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेशों से 30 करोड़ रुपए कमाए हैं और इसी के साथ गदर 2 का शुरुआती 7 दिनों में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 375 करोड़ का हो चुका है। जी हां दोस्तों, 7 दिनों में फिल्म दुनिया भर से 375 करोड़ की शानदार कमाई कर चुकी है और कल यानी कि 8वें दिन फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो 400 करोड़ का आंकड़ा पार कर देगा। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, 8वें दिन फिल्म 400 करोड़ का आंकड़ा पार कर देगी, उसके बाद फिल्म का 500 करोड़ का कलेक्शन बहुत जल्द होगा और देखते हैं कि 500 करोड़ के आगे गदर 2 और कितना जाती है। बाकी आपको क्या लगता है, गदर 2 का जो फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो आखिर कहां तक जाने वाला है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और गदर 2 के डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियो देखने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।